नमस्ते मैं हुएगी सिटीजन अमेंडमेंट बिल राज्यसभा में पास हो गया विद मेजोरिटी कॉन्ग्रेचुलेन्स टू ऑल द द पीपल हु बिलोंग टू सिक्स माइनॉरिटीज ऑफ द थ्री इस्लामिक नेबरिंग कंट्रीज पाकिस्तान बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान क्योंकि ये बिल पास होने से उनको भारतीय नागरिकता आसानी से मिल जाएगी इन देशों के अंदर इन सिक्स माइनॉरिटीज के लोगों का पोसिक्यूशन होता है ये मैं नहीं कह रही ये फैक्ट्स कह रहे हैं इतिहास को हम साइड में रखकर सिर्फ फैक्ट्स को देखें नंबर्स को देखें तो इनके नंबर्स 1947 से अभी तक कम होते हुए आ रहे हैं इधर द माइनॉरिटीज आर किल्ड इन दीज कंट्रीज और दे आर फोर्सिबली कन्वर्टेड और दे हैव रन अवे फ्रॉम देयर कंट्रीज इन आसानी से मिलेगी, जो बहुत ही अच्छी बात है हमारे देश के अंदर पॉलिटिक्स होती है इतिहास के ऊपर हमारे देश के ऊपर पॉलिटिक्स होती है धर्म के ऊपर कांग्रेस ने धर्म के ऊपर भारत का बंटवारा किया नाइनटीन 1947 ये हमारे देश के गृहमंत्री अमित शाह जी ने कहा पार्लियामेंट के अंदर और यह के कांग्रेस ने उनके ऊपर हमला किया कि सावरकर वॉज बिहाइंड द टू नेशन थ्योरी जबकि हम सबको पता है कि अहमद खान द द फर्स्ट पर्सन प्रपोज टू नेशन थ्योरी मगर ऐतिहासिक पॉलिटिक्स को साइड में रखते हुए सिर्फ फैक्ट्स और नंबर्स को देखते हुए ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स ये छह माइनॉरिटीज को भारतीय नागरिकता अब मिलेगी जो बहुत ही सही है कैब के पास होने से लिबरल्स को बहुत मिर्ची लगी और उन्होंने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया कि कैब इज एंटी मुस्लिम तो इन बेवकूफ लोगों को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ अदनान सामी जो पाकिस्तानी नागरिक थे एंड तस्लीमा नसरीन जो बांग्लादेशी सिटीजन थी उन दोनों को भारतीय नागरिकता मिली है बिकॉज दे आर नॉट टेररिस्ट एंड हैव अप्लाइड फॉर इंडियन सिटीजनशिप लीगली एंड सिटीजनशिप

is not anti-muslims muslims in muslim countries are not persecuted largely as compared to the minorities because in muslim countries may state religion islam this, if the shias and the other people of these countries feel that they are being persecuted they can apply for indian citizenship as per the indian rules and regulations not illegally like the rohingya muslims who make an entry into india and cause Crime and do terrorism. Iske ilawa, there are a few more facts related to CAB which I want to tell you. AP, Nagaland, and Mizoram have been kept out of CAB. Manipur protected via ILP. Six scheduled areas in Assam, Meghalaya, and Tripura are also kept out. Clause 6. From Assam Accord and tribal status to six communities will protect Assamese people. Because people that Cab is not good for Northeast and Northeast can protest. So obviously, done by the parties who don't want the benefit of the people, and they do it in the name of politics. साथ साथ में ये बिल डज नॉट वायोलेट एनी एग्जिस्टिंग प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग आर्टिकल 14 क्योंकि आर्टिकल 14 जाने बिना बहुत सारे mm. पॉलिटिशियंस ने आर्टिकल 14 ये चर्चा करी थी पार्लियामेंट के अंदर व्हेन द डिबेट वाज गोइंग ऑन ऑन द पैसेज ऑफ सी पार्लियामेंट क्योंकि आपके कोई पॉलिटिशियन है उन्होंने बोला था कि होता है, तो like जब फांसी चढ़े तब उन्होंने नहीं सोचा था कि भारत का बंटवारा होगा और इस तरह से हिंदू सिख पारसी बुद्धिस्ट क्रिस्टियन और जैन का के अंदर धर्म के आधार पर सो पीपल लाइक

यूएस में जब कहते हैं कि वो प्रेफरेंस देंगे टू क्रिश्चियन तो वो फैसिस्ट नहीं होते अगर मुस्लिम कंट्रीज कहती हैं कि वो प्रेफरेंस देंगे टू मुस्लिम रेफ्यूजीज तो वो फैसिस्ट नहीं होते मगर भारत के अंदर अगर हम कहते हैं कि हम प्रेफरेंस देंगे ये छे माइनॉरिटीज को Who are being persecuted in Muslim countries as compared to the Muslims of these Muslim countries, so fascism hota hai, ki media ke So this is downright disgusting media politics and politics played by the opposition. And I am very ashamed as an Indian citizen because humanitarian grounds. Pe bhi ये छह माइनॉरिटीज डिजर्व करती हैं इंडियन सिटीजनशिप चाहे वो भारत के भारत की मातृभूमि से जुड़ी हुई है या नहीं वो डिबेट में मैं नहीं जाना चाहती बट ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड ऑल्सो दीज सिक्स माइनॉरिटीज डिजर्व इंडियन सिटीजनशिप एंड नाउ दे विल गेट इंडियन सिटीजनशिप बिकॉज कैब हैज पास इन राज्यसभा टू नमस्कार